हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिन की शुरुआत हो गई है एंड आई होप एवरीवन इज हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी। आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। बहुत मस्ती वाला ब्लॉग है। ओके, सो डू वॉच इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, टेल देम टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो आज का ब्लॉग में जो डिसाइड किया था कि आपको मैं पूरे इस बंगलों के बारे में डिटेलिंग बताऊंगा, ओके, तो अभी मैं बता दूंगा, ओके, थोड़ी देर में। और दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट वड़ा पाव है। वाओ, सो लेट्स ईट वड़ा पाव। पार्टी में थेपला कौन ला? गार्डन एरिया, लॉन एरिया। ओके, तो अभी हम अंदर जाते हैं। दिस इज द हॉल, ये हॉल, दिस इज द हॉल, द वन रूम, सब बिखरा पड़ा है यहाँ। दिस इज द सेकेंड रूम। यहाँ पे शायद कोई ज्यादा दिन सोए नहीं थे इसलिए ये रूम बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज द थर्ड रूम, ये यहाँ पे मैं सोया था। सो गाइज, आई हैव शोड यू द रूम एंड रूम्स आर नॉट इन गुड कंडीशन जस्ट बिकॉज कि अभी हम घर से निकल रहे हैं, चेकआउट है और सब बिखरा पड़ा हुआ है। बट रूम्स बहुत अच्छे हैं, बंगलोज बहुत अच्छे हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम्स इज कि ये मुंबई के बहुत नज़दीक है। आप आधे घंटे में मुंबई पहुँच सकते हो अगर कोई इमरजेंसी काम हुआ तो। सो और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं। हाउस कीपर को आप फोन करो तो फटाक से आ जाता है। एवरी थिंग इज़ वेरी गुड। ओके, एवरी थिंग और सब इंपॉर्टेंट डिटेल जैसे प्राइस, नंबर, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग होम, सो लेट्स गो। मैंने इतना कुछ बताया पर ये विला का नाम ही नहीं बताया। दिस द नेम ऑफ दिस विला इज हिल टॉप विला। ओके, यू विल गेट एवरीथिंग इन द लिंक गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। बाय बाय। तो बोलो बाय बोलो। चलो उस साइड से जाने के अपने को। चलो सर, थैंक यू, बहुत मजा आया आपके साथ। हेलो गाइस, नाउ वी आर लीविंग बैक टू मुंबई। गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं कुछ खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रंच के लिए आए हम लोग रंगला पंजाब में। ओके, देखते हैं अभी क्या खाते हैं। आपका होटल है रंगला पंजाब? साड़ा ही है, साड़ा पंजाब। हाँ, एकदम मस्त होटल है। होटल है भाई। केपी भाई, कैसा था पाया, कैसा था ट्रिप? फुल फायर, एकदम खतरनाक। हाँ, फर्स्ट था ना अपने सब डन ट्रिप। अभी होगा, बहुत होगा जून में। चलो अच्छा, मेरा हाँ मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा बस पहले। चलो निकलते अभी घर। मैं अभी घर आ चुका हूँ, बहुत थक गया था इसलिए मैं सो गया था, इसलिए अभी शाम हो गई है। अभी थोड़ी देर में लिवरपूल और मैन सिटी सीजन की सबसे बड़ी एंड सबसे एक्साइटिंग मैच है। कोई भी जीतेगा वो टॉप पे आएगा, टॉप नंबर वन बनेगा। ओके, सो दैट इज द मैच एंड आज सारे आर्सेनल फैंस, मैन्यू फैंस आर वेटिंग कि लिवरपूल हारे एंड दे विल जस्ट टेक्स्ट मी, दे विल ट्रोल मी, मुझे सुनाएंगे, गाली देंगे, सब देंगे, पर लिवरपूल नहीं हारनी चाहिए, इसलिए तो हम वो मैच देखेंगे थोड़ी देर में। ओके, क्या रोशन, एक्साइटेड कि नहीं भाई? जितना चाहिए लिवरपूल भाई, कल इतना चिढ़ाया ना मैन्यू आर्सेनल वाले को। दिस गेम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वेरी इंटेंस मैच, बहुत मज़ा आ रहा है। वन ऑल हो गया स्कोर, पहले मैन सिटी ने मारा इसलिए मैं एकदम देखते रह गया, मैं भूल ही गया वीडियो निकालना है मुझे। और अभी लिवरपूल ने भी मारा, वन ऑल हो गया इसलिए अभी हम चालू करेंगे। इट्स 15 मिनट्स, बहुत मस्त मैच है, एकदम प्रॉपर टफ फाइट, एकदम 50-50 मैच। ओके, सो गाइज, अभी हाफ टाइम हो गया है एंड लिवरपूल इज बिहाइंड, मैन सिटी इज 2, लिवरपूल इज 1, बट स्टिल हाफ टाइम इज रिमेनिंग। ओके, लिवरपूल विल विन, वी स्टिल हाफ टाइम। Yeah, Liverpool just second half started and we have scored in 46 minutes. Yes, second half start hua aur humne score kiya. Now it's 2-2. The game is going to be more and more intense. So as usual, guys, both the teams are very strong. Liverpool, Man City, both are strong. That is the reason this match has ended to a draw, 2-2 draw. Man City 2, Liverpool 2, and now the points table is Man City is on the top, 74 points, and Liverpool is on second, 73 points, 1 point behind. But it's okay, still 7 games are remaining, so Liverpool can make it. Liverpool can win the title, and I hope they will win.
गाइस आज का ब्लॉग भी बहुत ही मज़ेदार था। हमने मैंने विला के बारे में हर डिटेल्स बता दी है। ओके, रूम्स बताए थोड़े अनटाइडी थे क्योंकि हम वापस से वहाँ से चेकआउट कर रहे थे। ओके, और शाम की मैच भी बहुत मज़ेदार थी। ओके, तो सिंपल और स्वीट ब्लॉग है। सो गिव अ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, टेल देम टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, और खुश रहना, मुस्कुराते रहना, खुशियाँ बांटते रहना और देखते रहना पॉजिटिविटी अराउंड। सी यू सून।